नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, क्योंकि अभी हाल ही में आज दोपहर के 12 बजे लिंक एक्टिवेट होना था, लेकिन उससे पहले रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अगर आपने अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया था तो आप रेलवे की साइट पर के जाकर के देख सकते हैं। अभी हाल ही में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। अब सबसे बड़ी बात जो है वो ये रही है कि अब एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम है वो कब होगा, क्योंकि एनटीपीसी वैकेंसी पहले आई थी फिर उसके बाद रेलवे ग्रुप डी की। ठीक है, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले टाइम को नोट कर लीजिएगा, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम नोट कर लीजिएगा। जीके जीएस की क्लास होती है सुबह 7 बजे, टेक्निकल फॉर जेई वो भी सलमान सर के द्वारा दोपहर के 2 बजे, मैथ की क्लास होती है रात के 9 से 10 के बीच के। ठीक है, और अगर आप लाइव क्लासेस मेरे साथ लेना चाहते हैं तो मैं अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा रहा हूँ, रेफरल कोड है तारिक सरवर 5, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है किस प्रकार से आपको चेक करना है। दोस्तों ये आपकी रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल साइट, ठीक है, तो आपको ऑफिशियल साइट पे आना है। सपोज कीजिए जिस भी आपने जोन से भरा है आरआरसी के, तो आप उस जोन में उस जोन को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए जैसे मुंबई से आपने भरा है, तो मुंबई से आपने क्लिक किया तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा कोड डालने को आ गया है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड को एंटर करेंगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया होगा तो यस लिख करके आ जाएगा, और एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा तो नो लिख करके आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार एग्जाम पहले किसका होगा। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी रेलवे ने पहले एग्जाम्स करवाए, चाहे आप रेलवे एएलपी का ले लीजिए, एएलपी टेक्नीशियन का, उससे पहले जो रेलवे ग्रुप डी का हो गया उसको ले लीजिए, पैरामेडिकल वालों का हो गया उससे ले लीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो सभी का पहले एप्लीकेशन स्टेटस आया, उसके बाद 25 से 30 दिनों के भीतर उन्होंने एग्जाम डेट दे दी और उसके बाद एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवा दिया। ठीक है, हालांकि पहले अगर देखा जाए तो एनटीपीसी का एग्जाम होने था, ठीक है, उसके बाद ग्रुप डी का, क्योंकि ग्रुप डी में भी आपके 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे गए और 1 करोड़ 30 लाख आपके एनटीपीसी में भरे गए। ठीक है, तो दोनों में भारी भरकम संख्या है, दोनों का एग्जाम 2 से 2.5 महीने चलने वाला है। ठीक है, लेकिन रेलवे ने यहां पर बड़ा शॉकिंग लिंक जारी कर दिया है ये कि एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर लीजिए, वो भी आरआरसी ग्रुप डी का, समझ रहे। तो आरआरसी ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम है वो संभवतः अब एनटीपीसी से पहले हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखें रेलवे का, तो रेलवे ने पहले यही किया, पहले आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया, उसके बाद एक नोटिस जारी किया जिसमें एग्जाम डेट के बारे में बता दिया, फिर बता दिया कि भैया इस तारीख से आपके एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, तो यही प्रक्रिया दोबारा दोहरा रहा है रेलवे, और ऐसा ही होता है। ठीक है, और एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो हालांकि पहले होना था और सब लोग यही आशा लगाए हुए थे कि एनटीपीसी का एग्जाम ग्रुप डी से पहले होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर रेलवे ने सबको शॉक्ड कर दिया है, सबको शॉक कर दिया है कि किसका लिंक जारी करके, एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक जारी करके। तो अब हो सकता है कि जो आपका एग्जाम है रेलवे आरआरसी ग्रुप डी का करवा ले। ठीक है, तो ग्रुप डी का एग्जाम पहले होगा, अब 90% सियोरिटी है, और एनटीपीसी का एग्जाम उसके बाद में होगा। ठीक है, और टाइमिंग मैंने आपको बता दी कि कब कब मैं वीडियोस अपलोड करता हूं रेलवे ग्रुप डी के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।